पवन खेरा के आरोपों पर स्मृति ईरानी का पलटवार। कांग्रेस के आरोपों पर स्मृति ईरानी ने कहा कि मेरी बेटी 18 साल की है जो राजनीति नहीं करती, एक कॉलेज की छात्रा है, वो बार नहीं चलाती। कांग्रेस ने आरटीआई के आधार पर मेरी बेटी पर आरोप लगाए हैं, लेकिन जिस आरटीआई की बात की जा रही है उसमें मेरी बेटी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेठी में गांधी फैमिली अपनी हार को पचा नहीं पाई, इसलिए ऐसे आरोप लगा रही है, इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। दरअसल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्मृति ईरानी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी 18 साल की बेटी के नाम पर बार चलाया जा रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम मांग करते हैं कि पीएम तुरंत स्मृति ईरानी का इस्तीफा लें। ईरानी पर ये आरोप नहीं दस्तावेज है जिन्होंने आरटीआई से लिए गए हैं। स्मृति ईरानी की बेटी के द्वारा गोवा में चल रहे बार पर फर्जी लाइसेंस रखने का आरोप है, यह सब गैरकानूनी तरीके से हुआ। कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगी और मेरी बेटी पर गलत आरोप लगाने के आरोप में कांग्रेस को सबक सिखाएंगी। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी महज 18 साल की है और कॉलेज की छात्रा है, वो बार नहीं चलाती, ना ही राजनीति में है। अमेठी में राहुल गांधी को हराना मेरा कसूर। अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने कहा कि उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने अमेठी में राहुल गांधी को हराया है। राहुल गांधी को चुनौती देते हुए ईरानी ने कहा कि वो साल 2024 में भी अमेठी में ही चुनाव लड़ेंगी और राहुल गांधी को मुंह तोड़ जवाब देंगी। गांधी फैमिली के इशारों पर हुआ हमला। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मेरी बेटी के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं वो सब गांधी फैमिली के इशारों पर लगाए गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि जयराम रमेश ने कहा कि आरटीआई में मेरी बेटी का नाम है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि मेरी बेटी का नाम दिखाएं तो सही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़।